आदावर्स, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। मिशन विजन सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और आज जो जिस अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल जो माली हालात हैं BCCL के, उस पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें डायरेक्टर जो फाइनेंस हैं समीरन दत्ता और डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग चंचल गोस्वामी और डायरेक्टर पर्सनल जो हैं PV मल्लिकार्जुन राव, ये सब लोग शामिल थे। और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अहम और तारीखी फैसला BCCL ने लिया है। रेल के जरिया जो कोयला जाता है बाहर पावर प्लांटों में, स्टील प्लांटों में या अदर जो कंज्यूमर्स है, उसके प्राइस में जो है उसको रिवाइज कर करके उनके लायक बनाया गया है, ताकि जो है कोयला हमारा जो है कोकिंग कोल जो है वो बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके और कंपनी का जो माली हालत है वो अच्छा हो, बेहतर हो और इसका फायदा खुद BCCL को मिले, कोल इंडिया को मिले और साथ में धनबाद को भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डीएफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्रोसीड करो। देखिए, आज आप लोग को बुलाने का यही मकसद है हमारे डीपी साहब का, कि कल हम लोग बोर्ड में ऐसा कुछ निर्णय लिए हैं जो हम लोग को लगता है कि काफी अहम है एंड बहुत दिनों का बाद हम लोग ऐसा कमर्शियल डिसीजन एक तो लिए हैं जिसमें BCCL का कॉम्पिटिटिव एज जो है, मतलब जो उसका कंपटीशन करने का जो स्थिति रहेगा वो काफी सुधर जाएगा और जिसका फलस्वरूप हम लोग का कोयला जो है वो थोड़ा ज्यादा बेचे, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि 30-35 लाख का हम लोग का स्टॉक बन गया एंड हम लोग एक महीना से ही प्रयास चला रहा था कि हम लोग का थोड़ा दाम में भी सुधार आए और हम लोग का ई ऑक्शन से थोड़ा ज्यादा कोयला बेच दिया जाए, क्योंकि FSA में जो है पावर हाउस का पास अभी भी काफी स्टॉक है और उसमें हम लोग से जो लेते हैं कोयला मेनली DVC WPDCL ये लोग से ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा था और बढ़ने से भी इन लोग का पैसा भी नहीं आ रहा था, जबकि ई ऑक्शन में आप लोग जानते हैं कि पैसा पहले जमा करना पड़ता है, तो ई ऑक्शन से ही ज्यादा कोयला बेचने का सारे कोल कंपनी ने प्रयास किया। वही CIL का भी, CIL चेयरमैन का भी प्रयास था कि हम लोग स्टॉक को घटाए थ्रू ई ऑक्शन। तो इसी सिलसिले में हम लोग लास्ट मंथ में रिजर्व प्राइस जो था, हम लोग कोयला को एक हम आपको समझाना चाहेंगे कैसे हम लोग कोयला का ई ऑक्शन का दाम हम लोग ठीक करते हैं। मान लीजिए हमारा कोयला का दाम होता है 100 रुपीज नॉन पावर के लिए, तो उसका ऊपर हम लोग 40% प्रीमियम ऐड करके 140 हम लोग फ्लोर प्राइस बोलते थे ये ऑक्शन के लिए। लास्ट महीना में ये 140 जो था इसको हम लोग 110 कर दिए थे, तो दाम में वैसे भी हम लोग फ्लोर प्राइस जो होता है, मतलब इसका मिनिमम देके उनको ऑक्शन में दाम बोलना पड़ेगा, बोली लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम ये होगा, उससे चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये 110 से हम लोग पूरा जनवरी महीना में ऑक्शन किए हैं। ये ऑक्शन करने का बाद हम लोग जनवरी महीना में टोटल जो ऑफर किए थे वो था 10 मिलियन टन 100 लाख जो भी वेरी प्रिसाइज 107 लाख, बट उसमें से भी कुछ खास हम लोग को उतना नहीं बेच पाया जितना हम लोग चाह रहे थे। और खास तौर पे जो रेल का ये ऑक्शन है, रेल का माध्यम से, वो एकदम ही खराब था, जबकि रेल से ही बाकी जो सब्सिडियरीज है हम लोग देखा काफी उन्नति कर लिया। इनफैक्ट हमारा ही बगल में जो ECL है उसका देखा हम लोग 67% रेल से ई ऑप्शन हुआ है। CCL में भी काफी अच्छा रेल से ई ऑप्शन हुआ है। जैसे कि पहले भी हम बताया कि रेल से ऑप्शन होने से हमारा बल्क क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा निकलता है, क्योंकि रोड का, स्पेस का, ये सब का प्रॉब्लम भी रहता है। अभी हम लोग का जो
डाउन चल रहा है आपका डिस्पैच, इसमें आप अगर गौर करिएगा तो देखिएगा कि हमारा रोड डिस्पैच काफी बढ़ गया, जितना भी ई ऑप्शन बुकिंग हुआ जो भी हुआ, रोड डिस्पैच मोटा मोटी हमारा 30,000 टन डेली का है, जबकि रेल से जो हमारा मिनिमम लास्ट ईयर तो हम लोग 20-25 भी देखे थे और इवन इस साल में भी हम लोग का 15-16 एक टाइम में चला गया था सितंबर अक्टूबर में, वो भी घट के ऑलमोस्ट 8 में आ गया, 8 रेक्स पर डे में आ गया। तो ये रेल का ही हम लोग का जो कैपेसिटी है उसमें काफी नीचे आ गया, और इसको बूस्ट करने से दो फायदा है, एक तो है रेल काफी हैसल फ्री होता है, बल्क भी जाता है, तो इसीलिए हम लोग चाहे कि ई ऑप्शन में रेल का ही थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसका सिलसिले में हम लोग ई ऑप्शन प्राइस में काफी कटौती कर दिया, एंड मेरा ख्याल से इतना कटौती हम लोग रिसेंट टाइम में तो किए ही नहीं है, शायद ही कभी पहले किए हैं, और ये कटौती जो है ये हर टाइप का ई ऑप्शन में दिए है। मेरे ख्याल से बीसीसीएल का ऐतिहासिक है, मैं ट्रिप साहब और एमडीज के तौर से ये चीज बताना चाहूंगा, ये ऐतिहासिक है। तो ये कटौती जो हम लोग दिए हैं, ये जो ऐतिहासिक जो सिंह साहब ने भी बोले हैं हम लोग भी मानते हैं, तो इसमें मैं इसका डिटेल में जाऊंगा, तो पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि ई ऑप्शन में हम लोग कितना टाइप का ई ऑप्शन होता है। एक होता है स्पॉट ई ऑप्शन, आप लोग जानते ही हैं, और वही सबसे पॉपुलर होता है क्योंकि उसमें कोई भी आके हमारा कोयला ले सकता है, और इसका अलावा होता है वर्स्ट पावर पोल। एक वर्स्ट पावर पोल जो हमारा वाशरी में अभी आप जानते हैं कि 10,000 प्रतिदिन ऑलमोस्ट हम लोग वाशरी में पुश कर रहे हैं कोल, तो इसमें दो टाइप का कोयला निकालता है बेसिकली, एक जो है वर्स्ट कोल जो प्रीमियम प्राइस में बेच जाता है और स्टील अथॉरिटी और स्टील का काम में आ जाता है, थोड़ा इसमें से इंफीरियर ग्रेड में जो आता है उसको वर्स्ट पावर कोल हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वर्स्ट कोल भी काफी हद तक निकालता है, और इसका अलावा थोड़ा बहुत रिजेक्ट वगैरह रहता है, तो उसमें भी हम लोग कटौती किए हैं। इसका अलावा आता है ये जैसे स्पॉट ई ऑप्शन है जिसमें कोई भी आ सकता है, और एक होता है फॉरवर्ड स्पेशल फॉरवर्ड ई ऑप्शन जो खाली पावर के लिए होता है, और ये मैं आज जो पेपर में हम देखा तो देखा कि आप लोग सारे ने मोटा मोटी कवर किया स्पॉट ई ऑप्शन को, बट पावर को भी आप लोग कवर नहीं किया, शायद उसमें हम लोग उतना डिटेल में तब नहीं शेयर किए थे कल रात में, तो वो हम समझा देंगे कैसे हमारा पावर प्राइस भी काफी घट गया होगा, मतलब जो पावर का लिए कोयला लेगा उसमें भी काफी कटौती आ गया। नाउ लेट अस कम वन बाय वन, ये जो स्पॉट ई ऑप्शन है, स्पॉट ई ऑप्शन में हम लोग कैसे कटा, आपको हम समझाया कि 100 का ऊपर 40 था, 40 से हम लोग 10 किया था, तो मतलब जनवरी में हम लोग 110 रुपया में जो 110% में जो बेच रहे थे उसको हम लोग ये 10% का प्रीमियम पहले हटा दिया, उपरंतु 15% का डिस्काउंट दे दिया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ, जो प्राइस आप लोग लिख सकते हैं स्पॉट ई ऑप्शन में वाशरी फोर्ड मेंस के है, मतलब सबसे ज्यादा हमारा जो कोयला होता है और बेचते हैं दोनों ही वाशरी फोर्ड है, तो वाशरी फोर्ड का प्राइस जनवरी तक जो था वो 40 से 10 करने का बाद भी वो था 3462। ये 3462 अमाउंट्स टू दिस इज 23% कटौती। सिमिलरली वाशरी फाइव में 2809 था, उसमें हो गया 2439। वाशरी फाइव में 2809 था सर, हाँ, और उसमें से हो गया 2439। इसका आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो मोटा मोटी 370 रुपया 14% आता है जी। और वाशरी सिक्स 2607 से 2264 2264 343 रुपया का डिफरेंस जो कि 14% बनता है, बट वाशरी फाइव एंड